बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर जो है हम वो अनबॉक्सिंग करने लगे हैं अपने कैमरे की, जो कि M50 है और कल परचेज़ किया है। और उसके साथ जो जो चीज़ें हम लोग ने ली हैं तो आपको वो सारी चीज़ें भी हम लोग दिखाते हैं एक एक करके, और इन्जॉय करें आप लोग वीडियो को। तो चलें स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग आज की। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो कैनन का कैमरा है, पहले वो निकालते हैं। शॉपर के अंदर चीज़ें जो हैं वो फंसी हुई हैं, ये देखने। इसका शॉपर जो है वो फट चुका है, क्योंकि इसको दुकान पर लोगों ने एक बार खोल के इसको चेक किया था, जो कि करना चाहिए आपको पता है। और ये कैनन का M50 है, ये देख सकते हैं आप लोग, और स्पेसिफिकेशन इसकी सारी की सारी लिखी हुई है। ये कैमरा लेने का मकसद जो था सबसे बड़ा, एक तो ये था कि पहले हमारे पास था 700D जिसे हम लोग शूट वगैरह कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये 4K में वीडियो बनाता है और 700D जो था वो HD के अंदर वीडियो बनाता था और ये बनाता था। तो ये बेसिकली मैंने नहीं, मेरे एक दोस्त जो है जो मेरे साथ होता है और उसने परचेज़ किया हंजला, इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ के अंदर मिलवाएंगे उससे भी। तो ये बेसिकली कैमरा उसका है, लेकिन अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर हो रही है तो मैंने बोला आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जी कैमरा एक हम लोगों ने जो है M50 कैनन का ये लिया है। इसके साथ हम लोगों ने इसका कवर, कैमरा लो और कवर ना लो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो इसका जो पाउच है ये भी हम लोगों ने साथ में परचेज़ किया कैनन का। और इसके अलावा जो हम लोगों ने सम एडिशनल चीज़ें परचेज़ की हैं उसके अंदर, एक तो ये चीज़ है, एक अदर बैटरी, और सबसे जो बुरी चीज़ इसके अंदर कैमरे के अंदर है वो ये है कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं है। हालांकि जो सोनी के कैमराज होते हैं उसके अंदर 64 या 128 GB का कार्ड साथ में ज़रूर आता है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने कार्ड जो है वो लेदर से परचेज़ किया है। तकरीबन इसका मैं बताता हूँ आपको कितनी कॉस्ट है और इसके अंदर क्या क्या सामान मौजूद है। तो सबसे पहले तो इसकी बॉक्स वैसे तो खुला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जितने भी प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें ये हम लोग उतार लेते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले तो ये वारंटी कार्ड है कैनन का ना, इसके अंदर बताया हुआ सारा का सारा। तो ये डीलरशिप जो है ये हम लोगों ने सदर से परचेज़ किया है, और ये है इसकी वारंटी कार्ड। दूसरी चीज़, सबसे पहले कैमरे का बॉक्स ओपन करते हैं, और इसके अंदर ये यूज़र मैनुअल है जिसको आप लोग रीड कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तो कोई नहीं करता होगा, क्योंकि इसके अंदर बड़ी हार्ड अंग्रेज़ी लिखी हुई है, और जो बस हैं छोटे मोटे यूज़र वो डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो ये इसकी गाइड है। उसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ें आई हैं वो आई हुई है, ये इसकी चार्जिंग की केबल है, चार्जिंग की केबल के साथ इसके अंदर ये हमारा कैमरा है, इसको अभी हम लोग ओपन करते हैं। उसके अलावा इसके ये स्ट्रैप्स हैं जो कि कैमरे के साथ आते हैं, और इसके अंदर ये इसका चार्जर भी अभी खोलते हैं। बाकी जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो क्या क्या है इसके अंदर, ये इसका लेंस है, लेंस 18-55 का इसमें नहीं आता, ये दूसरा है, इसका नंबर मुझे अभी याद नहीं है, तो इसको अभी खोलते हैं। इसको भी साथ में जो है वो इसकी कैमरे की एक ओरिजिनल बैटरी है जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा ली है, वो अलहदा पड़ी हुई है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर 24.1 का मेगापिक्सल का जो है वो कैमरा है N50 जो है, और इसके अंदर APS मोड भी है, AF जो आप लोगों को पता है ऑटो फोकस आता है, 4K के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और वाईफाई कनेक्टिविटी भी है इसके अंदर। तकरीबन तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो कि एक कैमरे में होनी चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो ये है कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, एज़ कम्पेयर टू जितने भी कैनन के कैमरा आते थे 700D और जितने भी पहले के मॉडल हैं, उनसे कैमरा जो है ये बहुत स्मार्ट और स्लिम है। ओए कैनन वालों बड़ा फिट बनाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं जी आप लोग हमारा कैमरा, और ये देखें माशाल्लाह ये डिवाइस हमारी कैनन की M50, ठीक है। और ये देख सकते हैं काफ़ी प्यारा और छोटी सी डिवाइस है, और इसको अभी हम लोग बाद में देखते हैं। साथ में जो हम लोगों ने लेंस था हमारा, ये हमारा लेंस है 1545 जो है इसकी वो स्पेसिफिकेशन है। तो ये हमारा लेंस है, इसके कैप्स वगैरह लगे हुए हैं, कैप्स अभी हम लोग उतार लेते हैं। ये और एक कैप जो है ये सामने है, ये देख सकते हैं हमारा लेंस भी आ गया इधर। लेंस के अलावा बैटरी थी, इसको खोलने की अभी हमारे ज़रूरत नहीं है, और इसको अभी हम लोग नहीं खोलेंगे। और बाकी ये बैटरी, मेमोरी कार्ड जो है ये दूसरी चीज़ें, तो अब इसको हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं तमाम चीज़ों को, और उसके बाद आप लोगों को इसकी पिक्चर क्वालिटी हम लोग दिखाते हैं। और ये देखें जी ये हमारा कैनन, इसका सबसे पहले कैप उतार लेते हैं, और ये अंदर से मिररलेस कैमरा है ये M50। पहले आते थे मिरर वाले DSLR दूसरे, और अब जो है इसका दूसरा आता है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो वाइट होल है इसको इसके साथ मैच करना है वाइट होल के साथ, ये आप लोगों को पता है ये वाइट होल है और दूसरा कैम इसके ऊपर लेंस के ऊपर है, इन दोनों को मैच करना है, और हल्का सा मूव करेंगे और ये लेंस हमारा लग गया। इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, वरना ये टूट के और फिर लेंस आपका बेकार हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने लगा दिया है ये, उसके बाद इसको यहाँ से ओपन करते हैं, और इसके अंदर जो हमारी बैटरी वगैरह थी उसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारी यहाँ पर बैटरी आ गई, और बैटरी को इंसर्ट कर लेते हैं।
बैटरी के बाद ये जो कार्ड था हमारा, ये 64GB और 4K वाला कार्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पे है, इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। और ये कैमरा हमारा अब रेडी है। इसके अंदर दूसरी चीज़ के स्क्रीन जो है वो रोटेट भी हो सकती है इजीली, और इसको जो है अब ऑन कर लेते हैं। और ऑन आप लोगों को पता है नॉर्मल कैमरा जहाँ से ऑन होता है ये, और ये देखें इसको अभी हम लोग ज़रा थोड़ी इसकी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद जो है इससे आप लोगों को पिक्चर लेके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा जो है वो हमारा ऑन हो चुका है और माशाल्लाह से रिज़ल्ट आप लोगों के सामने ये सारा का सारा। और पिक्चर एक हम लोग अभी लेके चेक करते हैं, ये सामने बॉक्स की एसी की ले लेते हैं। और इसकी सबसे अच्छी जो चीज़ थी इसका, मतलब कि फ़ौरन जैसे आप लोगों ने बटन प्रेस किया ना, फ़ौरन पिक्चर कैप्चर होगी, कोई टाइम वगैरह नहीं लगेगा। जो 700D है उसमें हम लोग दबाते रहते हैं बटन, क्योंकि पुराना मॉडल है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये बढ़िया है, खूबसूरत सी डिवाइस है, आप लोग देख सकते हैं। ये कैनन का जो M50 है, इसके अंदर एक और मॉडल आया Mark II, इसके अंदर प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कोई स्पेसिफिकेशन जो है वो तकरीबन दोनों की सेम है। बस यहाँ पे आप लोगों को Mark II लिखा हुआ दिख जाएगा, अगर शोशा मारनी है थोड़ी वो करना है तो आप लोग Mark II जो है वो परचेज़ कर लें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो इसकी प्राइस के अंदर बात हम लोग कर लेते हैं। ये कैमरा जो M50 जो है, ये तकरीबन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस टाइम पे 1,05,000 से लेकर 1,10,000 की रेंज में आ रहा है। कहीं पे आप लोगों को ये 95 का भी मिलेगा, कहीं पे 98 भी मिलेगा, 1,00,000 भी मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट दुकानों पे डिफरेंट रेट होते हैं, जैसे मोबाइल परचेज़ करते हैं कहीं पे 1,00,000 होता है, कहीं पे 1,00,000 होता है, डिपेंड करता है कि वो पैक है कि नहीं। तो ये बेसिकली इसका जो था प्राइस वगैरह जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 1,00,000 तक और 98 तक ये वो मिल जाता है। इसकी प्राइस रेंज जो थी वो 1,05,000 हमें बताई गई थी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करने के बाद बाय वन गेट वन फ्री की जैसे ऑफ़र चलती है ना, वैसे काफ़ी सारी हमने चीज़ें ली हैं इसके साथ। उसकी भी मैं एक वीडियो बना के अभी बाद में इंशाल्लाह कल उसकी भी पोस्ट करेंगे क्या क्या इसके साथ सामान लिया है। तो उसकी वजह से हम लोगों को ये कैमरा जो है फाइनल 98,000 का मिला था। तो इसके अंदर हमने जो बाकी सारे सामान लिया था इसके साथ वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और ये था जी हमारा कैमरा, बड़ा ही लाइट वेट था। दूसरी जो चीज़ थी इसकी, ये बैटरी वगैरह जो हमने साथ में इसकी परचेज़ की है मोबाइल के अंदर मैंने इंसर्ट कर दी है। तकरीबन 3500 रुपये की इन्होंने बैटरी जो थी वो दी थी हमें, 3500 की बैटरी थी और 5000 रुपये का जो है वो कार्ड था। जो नॉर्मल कार्ड था वो 2500 रुपये का था, जो HD वीडियो बनाता है, लेकिन 4K वाला कार्ड तकरीबन 5000 का। तो ये हम लोगों ने कार्ड वगैरह तमाम चीज़ें साथ परचेज़ की थी। और ये था जी हमारा कैनन का M50। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।